श्रीवास्तव, आपको टाइम मैनेजमेंट का प्रशिक्षण दिखाने जा रहे हैं। उसमें हमको डिफरेंट टाइप की दो तीन घड़ियाँ लेनी है और उनकी नीडल के बारे में बताना है, उनके टाइम के बारे में बताना है। तो उसके लिए हम एक ऐसा बोर्ड ले लिए हैं और प्लस उसके बाद पीछे हमको ब्लैक बोर्ड बनाना है। उसके लिए भी हमने बोर्ड ले लिया है, उसमें बीच में होल कर दिया है क्योंकि इस पर हम एक और घड़ी लगाएंगे इस टाइप से। और घड़ी के पीछे मुझे स्टैंड लगाना है, तो हमने ऐसे कई सारे माउंट बोर्ड कट कर लिए हैं। इन सबको आपको स्टिक कर लेना है, स्टिक करके आप टिश्यू पेपर से सब कवर कर लेंगे। ये दो दो को हमने स्टिक कर लिया ताकि बिल्कुल हार्ड हो जाए, तो इसको फिर हम टिश्यू पेपर से कवर कर देंगे और इनके पीछे स्टेप्स लगा देंगे। देखिए स्टेप्स से दो दो को कट करके आपको स्टेप्स लगाना है। इसके पीछे स्टैंड भी रहेगा ताकि वो स्टैंड खड़ा हुआ दिखे। और मुझे थोड़ा ऊँचा दिखाना है ताकि मैम पढ़ा रही हैं। ऐसा बॉक्स लेना है, इस बॉक्स को यहाँ पे डिस्प्ले में लगाना है, इसके ऊपर एक वॉच को लगाना है। ये देखिए स्टेप्स इसको लगाएंगे हम, रफली आपको हम थोड़ा बता दे रहे हैं। स्टेप्स लगाएंगे और यहाँ पे एक टीचर को स्टैंड कर देंगे जो खड़े होके बच्चों को पढ़ा रही हैं। ठीक है, ऐसे छोटा सा एक और यहाँ पर स्टैंड लगाएंगे सेम उसी टाइप का, उस पर हम सब नीडल के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। और एक यहाँ सर्कल टाइप का घूमने वाला बनाएंगे जिस पर थ्री टाइप्स के हम वॉचेस दिखाएंगे जो बच्चे घुमा करके वन बाय वन दिखा सकते हैं। तो इस टाइप को हम यहाँ पे डिस्प्ले में लगाएंगे और एक यहाँ पे डिस्प्ले में लगाएंगे और उसका टाइम लिख देंगे। तो इस टाइप से मेरे टाइम मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट रेडी हो जाएगा। तो अभी हम आपको रफली बता दिए, अब हम इसको करके आपको दिखाएंगे। मैंने इसको इस टाइप से खड़ा कर दिया है। यहाँ पे घड़ी बनाएंगे, यहाँ पे टाइटल लिख देंगे, यहाँ पे टीचर बनाएंगे, टीचर जो चलेगी। यहाँ पे वर्किंग के लिए देखिए हमने ये बना दिया है और फिर इसके अंदर भी सर्कल, ये सर्कल हम इसमें लगाएंगे, इसको ऐसे घुमाने वाला बनाएंगे। ठीक है, मैंने इसको लगा दिया है। अब इसको हम थोड़ा टिश्यू पेपर से कवर करेंगे और टिश्यू पेपर कवर करने में फिर हम सब घड़ियों को अटैच करेंगे। तो इस टाइप से आपको इसको बना लेना है। ठीक है, टिश्यू पेपर से हम लोग कवर कर दिए हैं और यहाँ पर भी ग्लू गन और इसके सहयोग से हम इसको भी खड़ा कर रहे हैं। यहाँ पे सब सुइयाँ की नीडल दिखेंगी, इस टाइप से सब प्रोजेक्ट को यहाँ लगा रहे हैं हम। ठीक है, अब इसको भी हम टिश्यू पेपर से कवर, टिश्यू पेपर काफ़ी हार्ड हो जाता है और टूटता नहीं है। तो इस टाइप से देखिए टिश्यू पेपर से कवर किया हुआ है इसको, यहाँ पे भी हमने लगा दिया है रिंग करने के लिए। वो देखिए उसको वहाँ पे रखा है हमने। अब ये चीज़ यहाँ पे हम स्टैंड कर रहे हैं खड़ा करके, एक टेक लगा करके इसको भी टिश्यू पेपर से हम कवर कर देंगे। ठीक है, इस टाइप से आपका प्रोजेक्ट रेडी हो। धीमे धीमे कुछ टेक लगा रखना पड़ता है थोड़ी देर। टाइप की घड़ियाँ हमें बना रहे हैं, इसमें हमने एक सर्कल ले लिया, उस पर अच्छे से लाइंस खींच दिए हैं ये देखिए टाइप से, और एरो बना के, ये देखिए एरो बना करके इसको इस टाइप से लगा दिया है। फिर इसको टिश्यू पेपर से इसको चिपका दिया साइड में और इस पर हम लोग नंबर लिखेंगे 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। प्लस आप सेकेंड चाहिए तो इस पर नंबर लिखिए, इस पर सेकेंड के नंबर लिख दीजिए 0 5 10 15 20, ऐसा आप ले सकते हैं। एक छोटी सी अलग एक और घड़ी बन रही है, टाइप से वॉचेस है क्योंकि हम रेक्टेंगल शेप का बना रहे हैं और एक हम ओवल शेप का बनाएंगे। देखिए ओवल शेप हमने बना लिया है और इसको भी कट करेंगे तो इसको इस वाले चीज़ पे अरेंज होगा। ये देखिए हम इसको पूरा टिक कर रहे हैं, यहाँ पे भी हमने इसको स्टिक कर दिया है। इस पर नीडल के बारे में लिखेंगे डिटेल। तो इस टाइप से आप अपना प्रोजेक्ट आप इसको रेडी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने इसके सारे डाल के नंबर ऐसे बना दिए हैं और इस पर अब हम नंबर लिखेंगे इस सब जगहों पे। ठीक है, तो थोड़ा सुंदर सा लुक आ जाएगा चमकता हुआ। पीछे बैकग्राउंड पर्पल हो गया, सिल्वर हो गया, फिर पिंक कलर हो गया। ठीक है, तो स्टेप्स इसको कंप्लीट करना है। इनका कलर कर लिया है राउंड शेप में और इसको भी हमने चिपका दिया है और सन को भी अंदर रखा दिया है हमने। अभी इसको छुएंगे नहीं, बिल्कुल सूखने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पे देखिए सब हल्का ब्लैक और ब्लू का कॉम्बिनेशन लिए हैं क्योंकि मेरा जो घड़ी है वो पिंक कलर की है, वो यहाँ पे एक डिजिटल वॉच लगेगी और वो रेड रंग की है वो यहाँ पे रहेगी और यहाँ पे हमको घड़ी अपनी लगानी है। ठीक है, इस तरह से मेरा ये प्रोजेक्ट धीमे धीमे रेडी हो रहा है। सुइयाँ बना ली हैं सबके लिए इस टाइप से, इन सब में होल करेंगे और ऐसा हमको रबड़ ले लेना है, इन सबको रबड़ लेकर ऐसे लेना है मुझे। और इसके बाद इस पर यहाँ पर मुझे लगाना है, उसके लिए हम टूथपिक यूज़ कर रहे हैं। ये जो टूथपिक लंबी सी होती है, सब में होल करके, होल के बाद एक ये लगाना जरूरी है, इसके बाद एक नीडल, एक ये,
ताकि एक दूसरे एक दूसरे से वो अटैच ना करे। इस टाइप से हम उसको रेडी करने जा रहे हैं। ब्लैक बोर्ड को ब्लैक से कलर कर दिए, ब्राउन से कर दिए, यहाँ ग्रीन से कर रहे हैं। ये राउंड में घूमेगा, ये रेड करेंगे, इसका ग्रीन रंग का बॉर्डर करेंगे इससे मैचिंग करके। यहाँ पे भी रेड डालेंगे और इसको पिंकिश कर देंगे, ठीक है। इस टाइप से इसको पूरा कलर करके कंप्लीट करेंगे। ये फैब्रिक कलर आपको यूज़ करना है, ये देखिए। पानी बहुत कम लेना है, पानी ज़्यादा लेंगे तो ये बैंड हो जाएगा, तो बिल्कुल कम पानी से इसको पेंट करना है। या तो फेविकोल का पानी बना लीजिए, उससे कीजिए। ये देखिए सभी कलर को यूज़ करेंगे, ठीक है। ये देखिए एक सर्कल कर लिया, एक और ये सर्कल हो गया, और एक ये छोटा सर्कल हो गया। इन सब पे हम नंबर डालेंगे। और ये पीछे बैक साइड यहाँ पे कट कर लिया है, कट करने के बाद इसको यहाँ पे लगाना है नीचे साइड में। इसमें हम नंबर लिखने आ रहे हैं, नंबर लिख के इसके अंदर स्टोर डालेंगे। स्टोर डालने के बाद पिन डालेंगे और इस टाइप से ये सर्कल में घूमेगा। तो फिर उसके नंबर लिखने आ रहे हैं, हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। फिर ये लिखने आ रहे हैं, इसको लिख दिए पूरा से। इधर इसमें फिट होगा, इस टाइप से आपको लिखना है। ये ध्यान देना आपको, ये घूमे तो ये बराबर था, आपको 0-0 आना चाहिए, पॉइंट पॉइंट। इस टाइप से देखिए, इस टाइप से आपको लिखना है, ऐसे घुमा घुमा के आपको लिखना है। यहाँ पे भी देखिए इसको लिख दिया। अब इसके अंदर ये चला जाएगा इस टाइप से। फिर जब घुमाएंगे तो ये पूरा स्टेप से घूमेगा, ठीक है। अब इसमें स्ट्रॉ, और ये देखिए इस टाइप के स्ट्रॉ यूज़ करने हैं। ये देखिए इसको डालना है और ये डालना है, इसके अंदर इसको डालना है, इससे ये रोटेट करने लगेगा, ठीक है। स्ट्रॉ के साथ इसको चिपका दिया है, या आपको ध्यान से आपको दिख रहा होगा। स्ट्रॉ के साथ उसको चिपकाना है, ऊपर वाले निडल से हमको दूसरी स्विच लगानी है। और ये अंदर देखिए वन बाई वन इसके पीछे हमने लगा दिया है गैप करके। तो आपको स्ट्रॉ एंड टूथपिक का यूज़ करना है, ठीक है। ये देखिए इस टाइप से उसको हम इसके अंदर ये लगा रहे हैं, ग्लूगन से हम इसको लगा दे रहे हैं। इस टाइप से आपको लगाना है, सारी सुइयों को हम इस टाइप से ही लगाएँ। ये देखिए इस टाइप से लगा कर सुखाने के लिए रख दिए। अब इसके अंदर भी हम इसको इन करेंगे और इसमें सब लगाते जाएंगे। टाइप्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट का जो है इसको हमने ओके करके, अब यहाँ पे हमें नंबर लिखना बाकी है। तो हम इसको पहले स्टैंड कर रहे हैं, इस टाइप से देखिए पीछे इसको स्टैंड कर दे रहे हैं। यहाँ पे ये सब मेरा रेडी हो गया है, तो इसको हम इसको धीरे सब पहुँचे 3 टाइप्स के वॉच पे स्टैंड करेंगे। इसके पीछे भी हम स्टैंड लगा देंगे, ताकि इसको हम इस टाइप से यहाँ पे खड़ा कर दें इस टाइप से। तो इसको हम स्टैंड लगा खड़ा करते हैं, इसको भी इसको स्टैंड लगा कर हम खड़ा करेंगे, ठीक है। कि हमने यहाँ पे गाड़ी को लगाया, इसको चिपकाना नहीं है आपको, केवल इस निडल से ही घूमेगा और इस स्टेप से इसको घुमाना है। इसको पकड़ करके इसको आपको पकड़ना और इसके साथ इसको घुमाना है, तो ये नंबर आपके आते जाएंगे। और इधर से ये देखिए ये नंबर, इसको जो तीनों मेरे बोर्ड हैं उस पर सबको अटैच किया है मैंने इसको, और इसको इसके थ्रू ये देखिए इस, क्योंकि यहाँ अगर हम चिपका देंगे तो ये राउंड नहीं हो पाएगा, ये घूम नहीं पाएगा, तो इसको हम यहाँ स्टिक नहीं कर सकते। इसको हम केवल इसके थ्रू स्टिक किया, ये देखिए यहाँ पे इस पर स्टिक है। ये देखिए ये दिखा रहा है, इसके थ्रू स्टिक किया हमने, केवल एक इसके ऊपर टिका हुआ है, ये देखिए स्टिक केवल टिका हुआ है इसके ऊपर, ताकि ये अलग अलग ही घूमे। ये देखिए आपका अलग अलग ही घूमता रहे। ये भी हमने यहाँ पे बना दिया, इसको भी यहाँ पे देखिए मैंने ये लगाया पीछे। इसको हमारे पास जो मास्किंग टेप का बोर्ड आता है उसको लगा दिया है और इसके अंदर इसको डाल दिया है यहाँ पे होल करके, और ये घूमेगा स्टेप से। इसकी भी सुइयाँ घूमेंगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे निडल के बारे में लिख दिया है, और यहाँ पे हम एक टीचर को खड़ा कर रहे हैं। तो ये हमने ऐसा प्रिंट आउट निकाल लिया है और इसके पीछे 2 स्टिक लगा दिए हमने, और इनको यहाँ पे कट करके स्टैंड करेंगे। तो यहाँ पे मुझे नाइफ के थ्रू यहाँ पे होल कट करना है, कटआउट कट करना है। इसे देखिए कट कर रहे हैं, थोड़ा मोटा कट करना है मुझे, यहाँ से यहाँ तक एक मोटा कट करके इसके अंदर मुझे डालना है, ताकि मैम थोड़ा वर्किंग टाइप की दिखे, ठीक है। ये मैं
ये मेरा रेडी हो गया, इसको भी हम और ब्राइट अप करेंगे, ठीक है। इस पर हमने 65 स्टेप लिख दिया है नंबर्स, यहाँ पे भी हो गए, ये सब वर्किंग रहेंगे। बच्चे से फिक्स कर देंगे टाइम को, स्टेप से इसको करेंगे। यहाँ पे भी टाइम, आप कोई भी का टाइम आप सेट कर सकते हैं। स्टेप सेट कर दिया, ये स्टेप्स हम एकदम इजी वे में आपको प्रोजेक्ट बना के दिखाते हैं। यहाँ पे मैम है जो हिल थी, यहाँ से हिल थी, हमने होल कर दिया, तो बच्चे पीछे से आगे पीछे करके मैम को बता देंगे। यहाँ पे भी देखिए, हमने यहाँ पे जो ये वाला बताया था टाइमिंग, ये आपको वीडियो पूरा दिखाया था हमने स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पे नीडल के टाइम और ये सब लिख दिया हमने। यहाँ पे मैम को खड़ा कर दिया है जो समझा रही हैं। इसको चाहिए तो पेंट भी कर सकते हैं, हमने प्रिंट आउट लगा दिया, पेंट भी करके लगा सकते हैं, ठीक है। थैंक यू इस वीडियो के लिए। यहाँ पे हम एक वॉच बना देंगे, बल्ब की जगह एक वॉच लगा देंगे छोटी सी। थैंक यू इस वीडियो के लिए। लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए आप मेरी वीडियो को। एकदम इजी तरीके से हम सिखाते हैं। ये देखिए, इस पर हम इसी पर ड्राइंग बना रहे हैं, नीडल बना दिया। देखिए स्टेप से हमने इसको ही एक घड़ी का लुक दे दिया कि मैम घड़ी को बता रही हैं पकड़ कर, ठीक है। तो स्टेप से ये रेडी हो गया मेरा वीडियो टाइम का। ये बच्चे इस पर लेबलिंग खुद करेंगे।